आपने कहा कि इस नोटबंदी से, आपने कहा कि इस नोटबंदी से कुछ लोगों ने अपने काले धन को सफेद कर लिया, वो सरकार के रडार में नहीं आए। अब सरकार उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पकड़े, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए पकड़े, पुलिस पकड़े, सीआईडी सीबीआई पकड़े, पकड़ तो रही है ना सर। 2000 का नोट काला धन में कैसे बदल गया? अब गौरव भाई, 2000 का नोट एक महीने के अंदर काला धन में कैसे बदल गया? गुजरात के अंदर हवाला का 13,500 करोड़ का एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसको सम्मान से छोड़ दिया गया। आज आप बताइए। चलिए ठीक है, तो जिस 13,500 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, उसके पहले आईडीएस में अपना इनकम, आपने इनकम की घोषणा की थी, लेकिन बाद में सरकार ने उसको शामिल नहीं किया, और अभी भी प्रधानमंत्री उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच चल रही है। मैं उदित राज आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले नलिनी जी का एक कमेंट लेके। सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, उदित राज आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन नलिनी सिंह जी को आप बताइए। नलिनी सिंह, क्या वाकई विपक्ष के इस दलील को आप मानती हैं जो प्रदीप जैन कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि उनके पहले राजीव कुमार जी कुछ कह गए, अगर आप इजाजत दें तो उनके ऊपर एक छोटा सा कहना है। उन्होंने कहा कि ईमानदार बनाने के लिए देश को ये करना जरूरी था। ईमान, क्या सरकार की लाठी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए? क्या सरकार की लाठी को तेल पिलाना चाहिए ईमान, ईमानदार बनाने के लिए? ईमानदार की बात है कि आपने जो रेड की हैं, चलिए 600 रेड, 1000 रेड हो गए होंगे देश में। मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ कि 10,000 से 15,000 करोड़ से ज़्यादा उसमें से जब्त नहीं होगा पैसा। और आपने 15.5 लाख करोड़ की जो करेंसी थी उसको आपने बदल डाला। मेरा आपसे निवेदन ये है कि जो इस तरह से, जो हम कहते हैं कि इस तरह से देश सीखेगा, मैं एक चीज़ पे इत्तफाक रखती हूँ राजीव कुमार जी से और जो कि उदित राज जी भी, कि जबकि जो टैक्स बेस है, टैक्स बेस ज़्यादा होगी तो धन होगा कमाने के पास, रेवेन्यू ज़्यादा। लेकिन ये कह देना कि देखिए आज के दिन लोग अपना काला धन रख रहे हैं, अब सरकार उसमें टैक्स लेकर उसको सफ़ेद करेगी तो ये काला धन आ गया, अब इसमें निवेश होगा। ये तो एक बार आया है ना, जबकि आपके पास एक बार आया, लेकिन नियत अब कहाँ पे ख़त्म हुई? आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, कोई भी मुझे पॉलिटिकल पार्टी दे दे, ये जो रैलियां आप कर रहे हैं उसके अंदर 3 से 5 करोड़ रुपया लग रहा होगा, ये भी मेरा छोटा एस्टिमेट है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? आप लोगों के पास में 2000 करोड़ 3000 करोड़, आप कहते हैं कि लोग चंदा दे रहे हैं आपको, चलिए चंदा देने वालों के नाम आप जाहिर करिए, अब आप उस चीज को करिए, आप खुद बनिए ना ईमानदार। चलिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। दूसरी बात मुझे आपसे ये कहना चाहिए, सिर्फ ये कि देखिए, ये हम संसद के लिए रो क्यों रहे हैं आज कि इसके अंदर जीएसटी की बात होनी थी। जीएसटी में 1.5 से 2% जो हमारा उत्पाद है वो बढ़ना था। अब सारे जो अनुमान है वो कहते हैं कि 1.5 से 2% ये नोटबंदी से घट जाएगा, तो हमें मिला क्या? और बाकी अब जीएसटी को आपको लागू करना सितंबर 2017 से करीबन असंभव है। ठीक है विराग गुप्ता, मैं आ रहा हूँ, लेकिन राजीव कुमार जी से, राजीव कुमार इस वक्त है नहीं हमारे साथ, मेरे साथ मैं नलिनी सिंह जी का सवाल उदित राज के पास लेके जाऊंगा। उदित राज, जो सवाल आपसे नलिनी सिंह जी ने पूछा, इस सवाल का जवाब देते हुए एक सवाल का जवाब और दीजिएगा मेरे साथ। जो मुझे लगातार ट्विटर पर फीडबैक मिल रहा है, एक दर्शक ने मुझे लिखा है कि जो एमपीज हैं, जो सांसद हैं इस वक्त, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए उनकी पेंशन के लिए, और उनकी इसकी कॉस्ट उनकी सैलरी से रिकवर करनी चाहिए। आप मानेंगे? क्योंकि आप टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है संसद की कार्रवाई में, काम नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रस्ताव के लिए तैयार हैं? और जो बात नलिनी सिंह जी ने कही कि जो आपकी रैलियां हैं, जो आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में खर्च करते हैं, उसका हिसाब देंगे देश के सामने? देखिए, नलिनी सिंह जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया, होमवर्क नहीं कर पाया। तो विपक्ष होमवर्क करता ही क्या, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं। जब 1971 में वांछू कमेटी ने सेम रिकमेंडेशन दिया था कि नोट बंद किया जाना चाहिए, काला धन रोकना चाहिए, और जब वाईबी चौहान जी इंदिरा गांधी जी के सामने गए कि मैडम वो रिकमेंडेशन है उसको लागू करना, तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि क्या आगे चुनाव नहीं लड़ना है? तो ये तो कांग्रेस ने 1971 में किया, जाके हमने लागू किया। अब
चलिए 1971 में वो नहीं कर पाए, तथ्य नहीं है। नहीं उदित राज जी 1971 में नहीं कर पाए, 2014 में आप भी नहीं कर पाए थे। अरुण जेटली जी का ऑन रिकॉर्ड भाषण में उन्होंने डिमोनेटाइजेशन को खारिज कर दिया था, लेकिन वो छोड़िए अभी की बात। एक मिनट, प्रदीप जैन जी आ रहे हैं। उदित राज अभी जो बात कर रही है नलिनी सिंह, क्या यह हिसाब सामने आएगा? आपकी रैली हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली हो, जो चंदा मिलता है करोड़ों रुपए का चंदा, आप कह देते हैं कि 20,000 से ऊपर का जो अंदर का जो चंदा उसका हिसाब देने की जरूरत नहीं, अगर वो कैश मिल रहा है तो। तीन बार तो ये सारी चीजें आएंगी जनता के सामने, उन्होंने क्यों नहीं किया? अकाउंट फाड़ तो सबका होना चाहिए, अकाउंट फाड़ सबका होना चाहिए और इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। आज ये जो सिस्टम चला रहा है 50-70 साल का सिस्टम है, इसके ऊपर बहस हो रही है। अब अगला कदम हो सकता है ये भी किया जाए कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज अच्छा हैं उनके अकाउंट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वेबसाइट नहीं। और ये जो दर्शक कह रहे हैं, जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर संसद की कार्रवाई नहीं होती है हंगामे की वजह से, तो सांसदों की पेंशन रोकी जाए, उनकी सैलरी से जो संसद की कार्रवाई में पैसा खर्च हुआ है उसको, उसकी कॉस्ट को रिकवर करना चाहिए। इस सुझाव पे आपका क्या कहना है? उनको सस्पेंड, देखिए ऐसा है कि जो ये हंगामा, देखिए ये बहुत 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 गलत सोच है कि संसद में बड़ा खर्च हो जाता है। आप जानते हैं भारत सरकार का बजट कितना है? 18 लाख करोड़। नहीं, संसद का खर्च में बता देता हूं आपको कितना है। करोड़ हो गया संसद का खर्च में बता देता हूं सर आपको कितना है। अरे कितना भी होगा उसके मुकाबले में तो एक प्रोजेक्ट एक यूनिवर्सिटी में लग जाता है। एक प्रोजेक्ट में उतना जहां करप्शन होता है करप्शन हो जाता है एक प्रोजेक्ट। मतलब आपने गारंटी दे दी संसद को पैसा बर्बाद करने की। मैं आपको बताता हूं उदित राज जी, मैं आ रहा हूं सर। उदित राज जी इस वक्त हम और आप उस दौर में बात कर रहे हैं जब नोटबंदी लागू है। उदित राज जी जनता ही तो चुन, सर सुनिए ना उदित राज जी, हम और आप उस दौर में बात कर रहे हैं जब नोटबंदी लागू है और जनता 2,500 रुपए के लिए ढाई ढाई घंटे कतारों में खड़ी हुई है। हम उस दौर में बात कर रहे हैं जब आपने 24,000 रुपए की एक हफ्ते में लिमिट लगा रखी है। और मैं आपको बताता हूं कि जितने पैसे संसद की कार्यवाही में खर्च हुए अगर इस दौर में खर्च किए जाते तो क्या हो जाता? कम से कम 1,500 से ज्यादा नए एटीएम लग जाते। अगर 15 लाख रुपए का खर्च माने एक एटीएम को लगाने का, 1,00,000 से ज्यादा लोग अपने 24,000 रुपए चेक से निकाल लेते। सर सुनिए, 10,400 शादियां हो जाती, 1,758 एटीएम कैश से फुल हो जाते और 8,44,000 लोग एटीएम से अपने इस पैसे को निकाल लेते हैं अगर 2,500 की लिमिट लगाई जाए। और आप कह रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, अरे 10 सांसद की सोच यही है, एक कॉर्पोरेट हाउस में लोग मर जाएं को मिलता है, ये बिना मतलब पूरे दुनिया में यहाँ भी ए पॉलिटिशियन मैं किसी पार्टी तक विराग गुप्ता मैं उदित राज जी तीन सवाल हो जाएगा, एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट में इससे ज्यादा पैसा लग जाता है। उदित राज जी तीन सवाल मैं पूछना चाहता हूँ एक सांसद के नाते। देश की सबसे बड़ी महापंचायत में जो गरीबों के खून पसीने का पैसा है उसके खर्चे मेरा नहीं है। एक सेकंड, आज अगर आपको कैशलेस, उदित राज जी मेरे तीन सवाल हैं। नोट प्रचलन से बाहर के पैसा यहाँ बर्बाद नहीं हो रहा, संसद चले या ना चले नहीं बर्बाद हो रहा, गरीबों का पैसा। कृपया टीवी डिबेट को संसद मत बनाए। अच्छा उदित राज जी सुन लीजिए विराग गुप्ता आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। प्रदीप जैन आप तो जानते हैं विराग गुप्ता को, उनको बोल तो लेने दीजिए। मैं आपसे तीन सवाल पूछ रहा हूँ उदित राज जी, एक सांसद से पूछ रहा हूं कि क्या आज आपने संसदीय सर्वोच्चता को क्या आपने सवाल निशान लगा दिया है कि एक कॉर्पोरेट में सीईओ की जितनी तनख्वाह मिलती है कि यूनिवर्सिटी के बराबर, क्या आपने संसद को इतना छोटा खड़ा कर दिया, संसदीय सर्वोच्चता पे निशान नहीं खड़े किए? नंबर दो, मेरे पहले तीनों सवाल सुन लीजिए। आपके वित्त मंत्री बोलते हैं कि शादी ब्याह में शगुन में भी आप चेक दीजिए, पेटीएम से पैसा दीजिए, लेकिन आप इनकम टैक्स के अधिकारी रह चुके हैं उसके बावजूद भी आप चेक से पेमेंट नहीं लेते हैं, और जब चेक से पेमेंट लेने की बात आती है तब आप लेवल प्लेइंग की बात करते हैं। और तीसरे नंबर पे, कानून में कभी भी बैड प्रेसिडेंट नहीं माना जाता, अगर किसी का अवैध निर्माण तोड़ा जाए तो वो ये नहीं बोलता कि बगल वाला अवैध निर्माण है, लेकिन आप लेबल प्लेइंग की बात करते हैं, आप बुफोर्स की बात करते हैं, आप 2G की बात करते हैं, आप पुराने बात करते हैं कि उस समय भी अगर ये सेशन इस तरह से हुआ था, कांग्रेस और भाजपा आपस में गलत प्रेसिडेंस लेकर संसद नहीं चलने दे रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने संसदीय सर्वोच्चता पे आज आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। आपने उदित राज जी जवाब दीजिए,
बिल्कुल सवाल नहीं उठाया है। जब आप या इस टर्म्स में हमें मेजर कर रहे हैं कि सांसदों को, सांसदों का जो लाभ मिल रहा है, इतना बड़ा लाभ मिल रहा है, तो क्या लाभ मिल रहा है भाई? नहीं सर, सांसदों को लाभ नहीं मिल रहा है, सांसदों को लाभ नहीं मिल रहा है। सांसदों को जिस काम के लिए पैसा दिया जा रहा है वो काम नहीं दिख रहा जनता को। सर आप समझ नहीं पा रहे, सांसदों को लाभ नहीं मिल रहा है। सांसदों की सर हमें पैसा क्यों मिलता है? हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमें पैसा क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है क्योंकि हमें वहां काम करना होता है, उस काम का पैसा मिलता है। संसद का सर, सांसदों को जो पैसा मिल रहा है, जनता की आवाज संसद में उठाने के लिए मिल रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, वो हुआ नहीं इस सत्र में। संसद का वेतन के ऊपर तो जवाब नहीं देंगे हम। अच्छा मत दीजिए, चलिए मत दीजिए। उदित राज जी मत दीजिए, गिर गया भाई। उदित राज जी मत दीजिए। उदित राज जी पॉलिटिकल पार्टी के चंदे पर आते हैं। दूसरा सवाल का मैं जवाब देना, दीजिए। दूसरा सवाल पर मैं, पॉलिटिकल पार्टी चंदे में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए 100%, लेकिन 60-70 साल का ये पुराना सिस्टम चला आ रहा है, इस सिस्टम के अंदर बदलाव होना चाहिए। बल्कि प्रधानमंत्री तो विकल्प के ऊपर विचार करने की कोशिश की जा रही है। चलिए ठीक है, सोमनाथ सिंह का कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, सोमनाथ सिंह का गो अहेड। नहीं, मैं सिर्फ नलिनी जी को एक बात बोलना चाहता हूं। आपने बोला है विपक्ष ने होमवर्क नहीं किया। गांव में जब आग लगते हैं ना नलिनी जी, तो कौन पतेला से पानी लेकर डाल रहा है, कौन बतल से जल रहा है, कौन बाल्टी लेकर जल रहा है, ये देखना नहीं चाहिए। फर्स्ट काम होते हैं उस आग बुझाना। यहाँ पर देश में आग लगा है, कौन सा अपोजिशन पार्टी कैसे उसको अगेंस्ट में जा रहा है, ये देखने से पहले ये देखना जरूरी होता है इसका अगेंस्ट ऑब्जेक्शन हो रहा है कि नहीं। दूसरा बात, आपने बोला है होमवर्क नहीं हुआ, सरकार क्या होमवर्क किया? लगभग 14,500,000 रुपया का नोट आप लोग ले लिया, लेकिन छपा कितना? 5 लाख करोड़ रुपीज। ये 9 लाख करोड़ रुपया है ही नहीं मार्केट में, आदमी का पास आएगा कैसे? आप लोग बोल रहे हैं कैशलेस, 90% गांव में अभी बैंक नहीं है, कैशलेस इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बहुत सारे गांव में, कैसे आएगा ये कैशलेस? सरकार क्या किया नलिनी जी? सरकार क्या किया ये सबसे पहले बताइए, समालोचना कीजिए, ये सबसे अच्छा होगा। संगा जी, आपने मुझे नाम लेके कहा है तो इसलिए मैं आपसे ये कह दूं कि देखिए, होमवर्क आपने नहीं किया, मैं दोहरा नहीं हूँ, इसलिए बड़ा निवेदन कर रही हूँ बड़ी विनम्रता से। देखिए, जबकि 8 नवंबर को कहा गया कि ये काले धन पर और भ्रष्टाचार पर और ये काउंटरफीट यानी कि जो नकली नोट हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए है, थोड़ी देर के बाद इसमें जोड़ दिया गया कि ये नक्सल और ये टेररिज्म के पकड़ने के लिए है। उसके बाद कहा गया कि ये टैक्स की जो बेस है वो वाइड होगी, ज़्यादा हमारे पास पैसा आएगा, इसलिए हम इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, इसलिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, हम गरीब कल्याण योजना शुरू करें। फिर कहा गया कैशलेस सोसाइटी, कि ये हमें ये करना ही नहीं है, नोटों में छापने में धन लगता है और बाकी हमें भी मॉडर्न होना है। मैं आपसे कह रही हूँ ये 7-8 एक मिनट संगा जी, सुन लीजिए, सोना सिंह एक मिनट। देखिए जी, मेरा कहना ये है कि आपने 7-8 सुन लीजिए एक मिनट सात प्रदीप जी आ रहा हूँ 7-8 जब उन्होंने ऑब्जेक्टिव उन्होंने 7-8 बता दिए, लक्ष्य उन्होंने 7-8 बता दिए, तो पता लग रहा था कि सरकार को भी नहीं पता है। अगर आप लोगों को इतना पता था तो एकदम आप कूद जाते कि रोज बर रोज कॉमा लगा के आप नई चीजें कर रहे हैं, नए उद्देश्य बता रहे हैं, तो आप लोगों को इतना पता होता तब तो। अब आप आग लगने की बात, आग तो लगी थी, कहां आपके पास बर्तन हांडी था कि जिसके अंदर आप पानी भरते और आग को खत्म करते? आपको तो समझ ही नहीं आया कि रोज कहना चाहेंगे कुछ इस पर। कभी 10 दिन, कभी इनाम दिया जाता, कभी पेटी। मैं विराग गुप्ता जी से जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी पेटीएम की ब्रांड एम्बेसडर कर रहे हैं, क्या पेमेंट गेटवे में यूपीआई सिस्टम नहीं है, सरकारी यूपीआई सिस्टम? ये साइबर एक्सपर्ट हैं विराग जी, बताएं
कि यूपीआई सिस्टम सरकार ने क्यों नहीं अडॉप्ट किया, पेटीएम की मॉडलिंग और ब्रांड एम्बेसडर बनके प्रधानमंत्री क्यों काम कर रहे हैं, क्यों इस तरह अगर उन्हें कैशलेस सोसाइटी बनाना है तो नोट को छपवाना बंद कर दें। एक बात कहते हैं लेकिन उस पर कोई होमवर्क नहीं होता है। अच्छा। जो नलिनी सिंह कह रही उन्हें देखना चाहिए, सरकार का होमवर्क नहीं है। और विराग जी से ये पूछिए, ठीक है विराग जी, ठीक है, बहुत बड़े साइबर एक्सपर्ट है, सरकार को सरकार को सरकार ने अटपटी तरह से ये किया और आप लोग समझ नहीं पाए, ये कह रहे हैं और कह नहीं पाए और संसद ने उठा नहीं पाए। संसद ने उठाते तो आपकी बात में वजन ज्यादा आता, ज्यादा आप लोगों की बात लोगों तक पहुंचती।